जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको डीएलएड ही क्यों करना चाहिए, तो इस टॉपिक पर मैं थोड़े से विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्यों डीएलएड ही करने चाहिए बीएड के अकॉर्डिंग। ठीक है, डीएलएड का पूरा फुल फॉर्म आप तो जानते होंगे, डिप्लोमा एलिमेंट्री इन एजुकेशन। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा या ऑब्जर्व किया हो यानी लेकिन ये बताता हूँ कि प्रत्येक गांव में एक स्कूल का प्रावधान है। आपने देखा होगा, आप 1 किलोमीटर के अंदर कहीं भी गांव जाइए, ठीक है, वहां हर गांव में एक स्कूल होगा जहां प्राइमरी स्कूल होगा। ठीक है, और उस स्कूल में चार टीचर और एक हेडमास्टर होते हैं। सोचिए छत्तीसगढ़ में अपने कितने इतने गांव होंगे जो वहां कराते होंगे, जो अपना जहाँ टीचर होते होंगे। ठीक है, बहुत सारे गाँव हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि बीएड के अकॉर्डिंग, बीएड में क्या होता है कि आपको 9th से लेकर 12th तक ही पढ़ाओगे, है ना, तो वो क्या होता है, चार गांव मिलके सिर्फ एक स्कूल बनता है। ठीक है, चार गांव मिलके एक स्कूल नहीं, एक आपका हाई स्कूल होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, देखे होंगे चार गांव मिला के एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनता है। लेकिन वहीं पर देखे होंगे कि जो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, वो हर गाँव में आपको देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग, अगर आप जॉब जल्दी करना चाहते हो, आपको चाहिए कि जॉब जल्दी लगे, मेरा जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में मेरा जॉब जल्दी लगे, मैं जल्दी करना चाहता हूँ, तो आप डीएलएड ही करें, क्योंकि आप देखोगे कि वहाँ है ऐसा गांव में। और अकॉर्डिंग टू बीएड की बात करूँ तो बीएड में आपको 9th to 12th चार गांव में एक स्कूल बनते हैं। ठीक है, एक स्कूल कहीं पर तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो वहाँ सिर्फ 9-10 ही टीचर होते हैं। तो अगर आप डीएलएड करोगे तो आपको काफ़ी फायदे होंगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप डीएलएड करो। अब उसके बाद आता है, ठीक है, तो डीएलएड की फीस कितनी होती है, डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट सीट से करते हो या प्राइवेट सीट से। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सीट से करोगे, जैसे कि मैं गवर्नमेंट सीट से कर रहा हूँ बिलासपुर बीटीए, जो अपना बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से, वहाँ मैंने सिर्फ कितने 3,000 फीस है। ठीक है, और उसके अलावा आपको अलग से ब्लेजर वगैरह, आप जो भी आपके फैकल्टीज वहाँ हैं उनको टोटल मिला के 6,000। ठीक है, 6,000 टोटल आपको पटाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा अन्य एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे होंगे। और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे जाओगे, प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ आपको लगभग 32,000 होंगे टोटल, कहीं नहीं बस 31,000 है। ठीक है, टोटल 32,000 आपको फीस जमा करने होते हैं। उसके अलावा और आप देखना चाहोगे, अगर आप गवर्नमेंट सीट से करोगे ना, तो बहुत सारे आपके फायदे हैं। आपको पढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाएगा, आप किस प्रकार से आपको बच्चों को लीड करोगे, कैसे आप उनको सिखाओगे कि नए नए स्किल, आपको स्किल पे काम किया जाएगा। ठीक है, और एक बार बात करूँ, कोई एक बार कई का सवाल होता है कि डीएलएड में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो डीएलएड में टोटल की बात करूँ तो 12 सब्जेक्ट होते हैं, 12 में से 4 प्रैक्टिकल होगा, सॉरी, और 8 जो आपका जो बचेगा सब्जेक्ट, उनको आपको एग्जाम दिलाने होंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश, पर्यावरण, अंग्रेजी, 4 हो गया, और 5वां आपका आएगा शालेय संस्कृति, ठीक है, बाल विकास, 6 हो गया, और तकनीकी, और 8वां आएगा ज्ञान शिक्षा क्रम। ठीक है, ये टोटल 8 सब्जेक्ट है, इस पर आपको एग्जाम दिलाने होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बात करेंगे, डीएलएड और बीएड में क्या अंतर है, सिंपल सी अंतर है। अगर आप डीएड करना करोगे तो आपको क्या करना है, 1st से लेकर 8th तक की आप पढ़ाओगे बच्चों को, 1st से लेकर 8th तक ही पढ़ाओगे। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो 9th से 12th तक ही पढ़ाओगे। चॉइस इज योर, आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के या किस क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहोगे। अगर एक बात करूँ कि आप जल्दी जॉब करना चाहोगे, अर्थात आप चाहोगे कि मेरा जॉब जल्दी लगे गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, तो आपको डीएलएड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, अभी बताया कि प्रत्येक गाँव में हर एक स्कूल का प्रावधान है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद कई का क्वेश्चन ये आता है कि चलिए डीएलएड करने के बाद हम लोग पास आउट हो गए, उसके बाद क्या करें। ठीक है, बहुत से आपके जॉब करने का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल बताऊँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पर आपका जॉब नहीं लगता है तो प्राइवेट सेक्टर पर जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट स्कूल पर, जहाँ पास बिना डीएलएड करे जो अपने टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी 2,000 से 3,000 होती है नॉर्मली। लेकिन आप डीएलएड कोर्सेज करने के बाद अगर उसी प्राइवेट सेक्टर पर जाओगे तो आपको कम से कम 6,000 से 7,000 मिलेगा, कम से कम। इसमें आपका घर का खर्चा नहीं चलेगा, लेकिन आपकी पॉकेट मनी तो अर्न होगा, ये है। उसके अलावा इन फ्यूचर ऐसा तो होगा नहीं कि वैकेंसी से नहीं आएगा, बहुत सारे आएंगे। ठीक है,
तो डिलीट करना मस्ट है, अब चॉइस इज योर। ठीक है, प्रकार की और वीडियोस में लाता रहूँगा, और वीडियोस अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।